नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिंग खड़ा करने की सर्जरीज के बारे में। लिंग खड़ा करने की सर्जरी मतलब अगर आपका लिंग खड़ा नहीं होता है और आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित है, आप सेक्स नहीं कर पा रहे, आपका पेनिस आपका साथ नहीं दे रहा, तो हो सकता है आपने नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए हो। मेरे पास अवेलेबल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में जैसे पी शॉट, शॉक वेव, ERP, एक्सरसाइजेज, हार्मोन इंजेक्शंस, मेडिसिंस, ग्रोथ हार्मोन्स, 90% से 95% पेशेंट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इन इलाजों से निकल जाते हैं बिना सर्जरी के। पर 5% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर इलाज जितना मर्जी कर लो, इलाज करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, या इलाज करने के बाद कुछ समय के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। हो सकता है इलाज करने के बाद 1 साल, 2 साल या 5 साल ठीक रहे और उसके बाद असर आना कम हो जाए। इरेक्शन आए तो पूरा आए, पूरा आए मतलब कि जितना चाहे उतना आए, जब चाहे तब आए, जितनी बार सेक्स करना चाहे उतनी बार आए, तब तो इरेक्शन ठीक है। पर अगर आपको दवाई इलाज कराने के बाद भी इरेक्शन 1 से 2 मिनट तक आता है, वाइफ संतुष्ट नहीं है, पार्टनर संतुष्ट नहीं है, इरेक्शन पूरा हार्ड नहीं आ रहा, दवाइयाँ लग गई, इंजेक्शन लग गए, पी शॉट लग गए, उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब कि कमी दवाइयों में नहीं, कमी आपके पेनिस में है। हो सकता है कि आपका जो आर्टेरियोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो इतना सीवियर या इतना आगे बढ़ चुका है कि दवाइयाँ या इंजेक्शन नहीं काम करने वाले। अब इस स्थिति में आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन कि आप लाइफ लॉन्ग बिना सेक्स के एक बेस्वास्थ्य ज़िंदगी जीते रहो, या सर्जरी कराकर अपना एक फाइनल इलाज ढूंढो। सर्जरी में आर्टेरियोजेनिक ईडी है तो पिनाइल इम्प्लांट्स, वीनोजेनिक ईडी है तो वीनस स्ट्रिपिंग, ये 2 सर्जरीज है जो कि मरीजों को ठीक कर देती है और लंबे समय तक उनको एक बेहतरीन सेक्स लाइफ देने का मौका रखती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिंग खड़ा करने की या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कौन सी सर्जरीज है, कौन से इम्प्लांट्स हैं जो मेरे क्लिनिक पे अवेलेबल है और उन इम्प्लांट्स के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, और ये भी जानेंगे कि इन सर्जरीज में खर्चा औसतन कितना आता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट मतलब कि मर्दों का सर्जन। मेरे पास मरीज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अर्ली डिस्चार्ज, ना बच्चे होना, इनफर्टिलिटी जैसे हर मर्दों के रोगों का प्रॉपर सर्जिकल या नॉन सर्जिकल साइंटिफिक इलाज अवेलेबल है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीजों को ठीक करने में मेरी स्पेशलाइजेशन है और हम मरीजों को 99% पहले नॉन सर्जिकल तरीके से ठीक करने में विश्वास रखते हैं। पर अगर आपको आर्टेरियोजेनिक ईडी है, आर्टेरियोजेनिक और वीनोजेनिक, इन दोनों ईडीज क्या होते हैं, इनके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। पर मोटा मोटा समझे तो आर्टेरियोजेनिक ईडी वो ईडी है जिसके अंदर लिंग के अंदर पीछे से ब्लड नहीं आ रहा, और वीनोजेनिक ईडी वो ईडी है जिसमें लिंग में ब्लड तो आ रहा है पर लिंग के वॉल्व्स खराब होने के कारण ब्लड लिंग में रुकता नहीं और निकल जाता है। आर्टेरियोजेनिक ईडी वाले मरीज का लिंग खड़ा ही नहीं होता, खड़ा होता है तो बहुत सॉफ्ट रहता है। वीनोजेनिक ईडी के मरीज को इरेक्शन तो आता है पर पोजीशन चेंज करने में, खड़े होने में, उठने बैठने में लिंग से खून निकल जाता है और इरेक्शन ख़त्म हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में मरीज सेक्स नहीं कर पाते, दोनों ही कंडीशन में मरीज अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते, और इन दोनों के अंदर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। पर कई बार अगर डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा स्मैथुन किया है, पेनिस को इंजरी कर दी है, फ्रैक्चर हुआ है, पेरोनिस डिजीज़ है, किसी का लिंग टूटा है, चोट लगी है, ब्लड रिसाव हुआ है, गलत इंजेक्शन लगा है, कई कारणों से लिंग में इररिपेयरेबल डैमेज मतलब ऐसा डैमेज जो नहीं ठीक हो सकता हो जाता है, और इन कंडीशंस के अंदर फिर मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आर्टेरियोजेनिक ईडी है तो उसमें सर्जरी होती है पिनाइल इम्प्लांट्स या रॉड के वाया। अगर वीनोजेनिक ईडी है तो उसमें हम जो ये वॉल्व्स है या जो वेन्स ख़राब हुई है इनको रिपेयर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीनस स्ट्रिपिंग या वीनोजेनिक ईडी में वॉल्व्स के रिपेयर की। तो नॉर्मली अगर आप पेनिस को देखो तो पेनिस के अंदर स्किन है, स्किन के नीचे हमारे कॉर्पोरा है जिसमें ब्लड भरता है, और जब आदमी को प्रॉपर इरेक्शन आता है तो ब्लड भरने के बाद इन कॉर्पोरा में लगे हुए वॉल्व्स बंद हो जाते हैं और ब्लड को पेनिस में ही होल्ड करते हैं। अगर ये वॉल्व्स ख़राब हो जाए तो ब्लड की लीकेज स्टार्ट हो जाती है, और ये लीकेज जो है ये धीरे धीरे करके पेनिस को सॉफ्ट करती चले जाती है। हो सकता है कुछ ही वॉल्व्स ख़राब हो सकता है सारे वॉल्व्स ख़राब हो सकता है कि जो मेन नस है जिसको डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस बोलते हैं वो ख़राब हो। कई बार इन मरीज़ों के अंदर पेनिस के अलावा टेस्टिस की नसें भी ख़राब होती है, और वेरिकोसील का वीनस ईडी के साथ कोरिलेशन देखा गया है। अगर ऐसा है और पेशेंट मेडिसिन और पी शॉट से ठीक नहीं हुए तो उस केस में वीनस स्ट्रिपिंग नाम की सर्जरी से पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है।
वीनस ट्रिपिंग का मोटा मोटा मतलब ये है कि आपने पेनिस की स्किन उतारनी है, पेनिस के अंदर एक दवाई का इंजेक्शन लगाना है, देखना है कि कहाँ कहाँ से पेनिस के अंदर ब्लड लीक हो रहा है, और जहाँ जहाँ लीक हो रहा है वहाँ वहाँ पर हमको टाके लेने हैं ताकि ये वॉल्व्स ठीक हो जाए। वीनस ट्रिपिंग भी तीन टाइप की होती है, या तो हम सिर्फ जो वॉल्व्स है उन पर टाके लगाएं, या जो सारी नसें हैं सारी वेन्स हैं उनको वहाँ से हटा दें ताकि ब्लड लीक ही ना हो, और तीसरा पार्ट होता है डॉर्सल वीनस लाइगेशन, मतलब जो ये सारा गुच्छा वेन का जो एक सिंगल वेन है जो पेनिस की जड़ पे होती है वहाँ पर हम टाका लगा दें ताकि लीकेज हो भी तो वहाँ तक ब्लड ना जाए। वीनस ट्रिपिंग या वीनस लाइगेशन करने के बाद वीनोजेनिक ईडी के अंदर मरीजों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, इरेक्शन हार्ड हो जाते हैं, लीकेज ख़त्म हो जाती है, पेशेंट्स काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस करते हैं। पर इस सर्जरी के अंदर दो नुकसान हैं। पहला नुकसान, जैसे बॉडी में कोई भी अंग है उसको ब्लड आने के लिए और ब्लड जाने के लिए जगह चाहिए, वीनस ट्रिपिंग के बाद क्योंकि ब्लड जाने की जगह नहीं बचती तो कई बार मरीजों को लंबे टाइम इरेक्शन रहने का रिस्क हो जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार मतलब कि 1% चांस में कि पेनिस में इरेक्शन आया पर गया ही नहीं, और कई बार पेनिस के अंदर थोड़ी बहुत सूजन भी आ सकती है, पर नॉर्मली ये टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है। ख़त्म क्यों जाती है? क्योंकि बॉडी में नई वेन्स बन जाती है। इससे क्या है कि मरीज़ को जो फ़ायदा आया है हार्डनेस में उसके अंदर भी कमी आ सकती है। तो वीनस ट्रिपिंग के बाद रेकरेंस बहुत कॉमन है। वीनस ट्रिपिंग नॉर्मली 3-4 साल तक चलता है और उसके बाद मरीज़ को फिर से वीनस ट्रिपिंग कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर वीनस ट्रिपिंग मैक्सिमम 2 बार, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 3 बार, इससे ज़्यादा बार वीनस ट्रिपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बार बार पेनिस की स्किन को निकालना, वेंस को स्ट्रिप करने से पेनिस में इररिपेरेबल डैमेज हो जाता है। तो जो मेरे वीनस ट्रिपिंग के पेशेंट्स हैं वो कई बार 6-7 साल के बाद उनको फाइनली इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वीनस ट्रिपिंग के बाद भी इम्प्लांट की ज़रूरत मरीज़ों को पड़ सकती है। वीनस ट्रिपिंग में मोटा मोटा खर्चा अराउंड 75 से 80 हज़ार रुपये तक आता है। वीनस ट्रिपिंग की सर्जरी नॉर्मली 15 से 20 मिनट की होती है। सर्जरी के बाद मरीज़ अगले दिन घर जा सकता है। इस सर्जरी के बाद बहुत लंबे रेस्ट की ज़रूरत नहीं। सर्जरी के बाद पेशेंट अपने नॉर्मल पेशाब, नॉर्मल डेली काम कर सकते हैं और सर्जरी का रिजल्ट उनको 15 डेज में मिल जाता है और 3 हफ्ते के बाद नॉर्मली मरीज़ फिर से सेक्स चालू कर सकते हैं। तो ये है वीनस ट्रिपिंग। दूसरी तरफ अगर वीनस ट्रिपिंग फेल हो गई है या मरीज़ को आर्टेरियोजेनिक ईडी है, मतलब मरीज़ को लिंग के अंदर पीछे से ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा, दुनिया भर की कोशिश कर ली, दवाई दे ली, ईआरपी कर लिया, इंजेक्शन लगा लिए, उसके बाद भी नहीं आ रहा, तो फाइनल सॉल्यूशन है इम्प्लांट। इम्प्लांट मतलब कि जो कॉर्पोरा है जिसमें नॉर्मली ब्लड आना चाहिए हम उसमें ब्लड की जगह एक आर्टिफिशियल रॉड लगा दें। ये रॉड भी 3 तरह की आती है। एक होती है इंडियन वैल्यूएबल। इंडियन वैल्यूएबल इम्प्लांट मेरा फेवरेट इम्प्लांट है, सस्ता है, टिकाऊ है, बहुत लंबे टाइम चलता है, सुपर हार्डनेस देता है और इस इम्प्लांट से मरीज़ सालों साल खुश रहते हैं। मेरे पास इंडियन इम्प्लांट के ऑलमोस्ट 20 से 25 मरीज़ हर हफ्ते आते हैं, पर अराउंड 20 से 25 मरीज़ हम हर महीने ऑपरेट करते हैं। इंडियन इम्प्लांट की वीडियोस मेरे नीचे दिए गई प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके रिजल्ट भी है, उसके रिव्यूज़ भी है, उसका प्राइसिंग भी है, दिखता कैसे भी है, पर एक बात है कि इंडियन इम्प्लांट जैसी मोटाई, गर्थ और जो एक सेक्सी हार्ड रिएक्शन आता है वो शायद ही किसी और इम्प्लांट में आता हो। पर उसका एक नुकसान है। इंडियन इम्प्लांट का नुकसान ये है कि हम उसको बेंड नहीं कर सकते, तो मरीज़ का पेनिस हमेशा इरेक्शन में रहता है और उसको पेट के बल बांध के रखना पड़ता है। पर एंड ऑफ द डे अगर इरेक्शन चाहिए, हार्डनेस चाहिए, सेक्स मज़ेदार चाहिए, तो इंडियन इम्प्लांट से बेटर इम्प्लांट नहीं है। पर अभी मेरे सेंटर पे 2 नए इम्प्लांट है रिजिकॉन कंपनी के जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। रिजिकॉन में एक है मैलिएबल इम्प्लांट और एक है इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। मैलिएबल इम्प्लांट मतलब ऐसा इम्प्लांट जिसको बेंड करके नीचे या ऊपर कर सकते हैं। अभी तक जितने भी अमेरिकन मैलिएबल्स थे जैसे कोलोप्लास्ट या बॉस्टन साइंटिफिक, इनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम थी कि इनका हिंज लूज हो जाता था और इम्प्लांट जो है एस शेप डिफॉर्मिटी या हवा में तैरता रहता था। जो रिजिकॉन इम्प्लांट है ये टर्किश इम्प्लांट है। इस इम्प्लांट के अंदर बेनिफिट है, एक तो प्राइस का बेनिफिट तो है ही है, सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है कि ये एक हार्ड इम्प्लांट है। इसके अंदर भी इंडियन मैलिएबल जैसी अच्छी खासी हार्डनेस मिल सकती है और इसके अंदर जो हिंज है वो कमज़ोर नहीं होती। इसकी हिंज स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, इस कारण से इम्प्लांट को खड़ा करने पे बहुत अच्छी हार्डनेस मिल सकती है।
रिजिकॉन इम्प्लांट के बारे में और जानने के लिए और उसके दिए रिजल्ट्स और वीडियोस के लिए मेरे इंग्लिश चैनल पे देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और थर्ड इम्प्लांट है जो थोड़ा महंगा है पर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, और वो है इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट मतलब ऐसा इम्प्लांट जिसको आप बटन से चालू और ऑफ कर सकते हैं। तो इस इम्प्लांट के अंदर एक बटन होता है जो आपके गोलियों के पास लगा दिया जाता है, और आप जब चाहे इंटरकोर्स करना तो आप बटन दबाए आपका पेनिस इरेक्शन में आ जाएगा, और जब आप चाहे इंटरकोर्स ख़त्म करना तो बटन दबाए तो इम्प्लांट आपका नॉर्मल अवस्था में चले जाएगा। इम्प्लांट लगाने के बाद आपका पेनिस एकदम नेचुरल इरेक्शन में रहता है। इम्प्लांट से होने वाला सेक्स भी नेचुरल होता है। आपको उसकी पूरी इन्जॉयमेंट, उसकी पूरी ऑर्गेज़म, उसका पूरा डिस्चार्ज, सीमन डिस्चार्ज आता है। इम्प्लांट के बाद आप बच्चे कर सकते हैं। इम्प्लांट से आपकी वाइफ को कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आपके वाइफ और पार्टनर संतुष्ट रहेंगे। इम्प्लांट के बाद आपका टाइमिंग बढ़ता है, हार्डनेस बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, और आप जो एक अच्छी सेक्स लाइफ चाहते थे हमेशा, वो आपको मिल सकती है। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और आप किसी सही इलाज के लिए ढूंढ रहे हैं, तो पहले नेचुरल ट्राई कीजिए, उससे काम नहीं बनता तो ERP ट्राई कीजिए, उससे काम नहीं बनता तो दवाइयाँ है, हॉर्मोन्स है, वो करिए, नहीं बनती तो इंजेक्शन्स है, शॉकवेव है। पर अगर सब कुछ फेल हो गया और आपका इरेक्शन नहीं इम्प्रूव हो रहा, तो एक बेस्वाद ज़िंदगी जीने से बेटर है कि आप अपने पेनिस के अंदर जड़ को पकड़िए, डॉपलर कराइए। अगर वीनोजेनिक ईडी है तो स्ट्रिपिंग कराइए, आर्ट्रोजेनिक ईडी है तो इम्प्लांट कराइए। दोनों ही सर्जरी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इम्प्लांट कराने के लिए ट्रेंड सर्जन होना ज़रूरी है। मेरे सेंटर पे साल में 300 इम्प्लांट होते हैं। मैं वर्ल्ड राउंड इम्प्लांट सर्जन हूँ और बहुत जगह सर्जरी करता हूँ, पर अगर आप मेरे टोटल पेशेंट लोड में देखें तो सिर्फ 1% पेशेंट्स हैं जिनमें मैं इम्प्लांट करता हूँ। 99% पेशेंट्स मेरे क्लिनिक पे आके बिना सर्जरी के ठीक होते हैं। मेरी हैबिट नहीं है मरीज़ों को ज़बरदस्ती सर्जरी करने की, हमेशा कोशिश रहती है कि बिना सर्जरी के ठीक होते हो, तो दैट इज़ बेटर। वीडियो समझ में आई हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछिए। आप चाहे तो मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल या मेरी वेबसाइट पे भी जुड़ सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मेरे इम्प्लांट्स पे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे, अच्छी ट्रीटमेंट्स पे हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।